विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। 10 के डोज में मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सर्किल पॉइंट GKGS पर। चलिए आज हम लोग करेंट अफेयर के 10 प्रश्नों को लिए हैं आपके रिवीजन के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि 10 करेंट अफेयर आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, आज का पहला सवाल देखिए क्या कहता है। वर्ष 2022 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है? वर्ष 2022 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो कौन हो जाएगा? आर बॉनी ग्रेवियल। आर बॉनी ग्रेवियल जो कि अमेरिका की नागरिक हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2022 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है? आर बॉनी ग्रेवियल जो कि अमेरिका की नागरिक हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 पूछेगा कौन खिताब जीती है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब कौन जीती है? तो सरगम कौशल जीते हैं, भारत के हैं, ध्यान दीजिएगा। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब कौन जीते? सरगम कौशल जो कि कहाँ के हैं? भारत के हैं। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? मीना चोई दक्षिण कोरिया की। मिस अर्थ 2022 का खिताब पूछेगा कौन जीता? तो मीना चोई दक्षिण कोरिया की है। वर्ष 2022 के लिए ध्यान दीजिएगा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2022 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? बद्री नारायण को दिया गया। वर्ष 2022 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? बद्री नारायण को दिया गया। टुमाडी के शब्द एक कविता का देखेंगे, एक पुस्तक है जिसका नाम है टुमाडी के शब्द, जो कविताओं का संग्रह है, कविताओं का संग्रह है। 1 जनवरी 2023 को कौन कौन से देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होंगे? ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2023 को कौन कौन से देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर होंगे? तो देखेंगे कौन कौन होंगे 1 जनवरी 2023 से, और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए, और अस्थायी टोटल कितने? 10 देश होते हैं टोटल 10, और 5 वो अस्थायी होता है, तो टोटल मेंबर 15, इसे याद रखेंगे। तो देखेंगे 2023 में कौन कौन सदस्यता ग्रहण करेंगे? जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, याद रखेंगे। 1 जनवरी 2023 को अस्थायी सदस्य के रूप में कौन कौन आएंगे? जापान, इक्वेडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, याद रखेंगे। 1 जनवरी 2023 को कौन कौन से देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर होंगे? तो जापान, इक्वेडोर और माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड अस्थायी मेंबर होंगे, और अस्थायी मेंबर पूछेगा तो कितना? 5 को होता है, ठीक है। चलिए बढ़िया आगे, भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? भारतीय गणतंत्र दिवस, भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बनकर आए थे? जो हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो उस कौन देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने थे? मिस्र के, कहाँ के? मिस्र के। क्या नाम था? अब्देल फला अल सीसी, याद रखेंगे। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए पूछेगा कि मुख्य अतिथि बनकर कौन आए थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति आए थे अब्देल फला अल सीसी। हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो भारत के भुवनेश्वर, उड़ीसा में का शहर है, ठीक है ना, भारत के भुवनेश्वर, ये उड़ीसा राज्य है, भुवनेश्वर में खेल का आयोजन हुआ था। वर्ष 2022 का सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2022 के लिए सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? टिम बर्नर्स ली को दिया गया। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का शुरुआत कहां से हुआ है? मध्य प्रदेश से, कहां से? मध्य प्रदेश, 4 जनवरी 2023 से। 17वां प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? भारत 17वां प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया किन्हें? मोहम्मद इरफान अली को। वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो गुआना के। किस देश के राष्ट्रपति? गुआना के। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी रहेगा कि 17वां प्रवासी भारतीय पुरस्कार किसे मिला? तो मोहम्मद इरफान अली। किस देश के राष्ट्रपति? तो गुआना के। तो बच्चों
10 प्रश्नों का एज करंट अफेयर का जो आप लोग का रिवीजन क्लास था वो समाप्त होता है 10 का डोज, और हम लोग कल के सीरीज में मिलते हैं। तब तक आप इसको याद कर लें। ऐसे ही आप प्रतिदिन लगातार अगर आप 10-10 प्रश्न भी करते हैं तो एक समय 6-7 महीने बाद जब आपका एग्जाम आएगा तो आप लगभग कई सवालों का आप रिवीजन कर लेंगे। और याद रखिएगा, परीक्षा के लिए जितना पढ़ना जरूरी उतना रिवीजन भी बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।